सो हे दे वेलकम बैक गाइस टू द चैनल एवरीवन। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के फैन हो तो भाई आपके लिए तीन बड़ी और बहुत अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, तो आज का वीडियो पूरा देखना, आप भाई बहुत खुश हो जाओगे। सो वीडियो पूरा देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। सो अगर आप कोलकाता के फैन हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि जो जैकोस कैलिस है और साइमन कैटेच है दोनों को बाहर कर दिया था केकेआर की टीम ने, और जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है वो खाली कर दिया था। सो अब यहां पर कोलकाता की टीम को हेड कोच भी चाहिए था, मेंटोर भी चाहिए था, बैटिंग और बॉलिंग के लिए भी कोचेस चाहिए थे। अब यहां पर कोलकाता की टीम ने हेड कोच तो पहले ही अनाउंस कर दिया था, अगर आपको याद हो तो ब्रेंडन मक्कलम हेड कोच पहले ही अनाउंस हो चुके थे, अब बचे थे सिर्फ बैटिंग बॉलिंग और मेंटोर कोचेस। यहां पर केकेआर की टीम ने अभी जो तीन बड़े ऐलान किए हैं वो इन तीनों चीजों के लिए ही है। पहला ऐलान है बैटिंग कोच के लिए, और बैटिंग कोच रहने वाले हैं ब्रेंडन मक्कलम, सेम ब्रेंडन मक्कलम हेड कोच भी रहने वाले हैं और बैटिंग कोच भी रहने वाले हैं। बॉलिंग कोच की बात आती है तो बॉलिंग कोच है काइल मिल्स। काइल मिल्स को वैसे तो भाई बहुत कम लोग जानते होंगे, पर काइल मिल्स न्यूजीलैंड के अच्छे तेज गेंदबाज है, और न्यूजीलैंड के लिए यार भाई ये बहुत अच्छी तेज गेंदबाजी करते थे। अगर आपने कोई सा वर्ल्ड कप भी देखा हो तो ये वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के लिए खेल चुके हैं। सो ये अच्छे तेज गेंदबाज है और केकेआर की टीम इनसे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है। सो काइल मिल्स रहने वाले हैं इनके बॉलिंग कोच। अब बात आती है मेंटोर की, और मेंटोर सबसे बढ़िया है, मेंटोर है डेविड हसी। भाई डेविड हसी को सब लोग जानते होंगे, डेविड हसी आईपीएल भी खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले हैं, केकेआर की तरफ से भी खेले हैं, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से भी खेले हैं, बिग बैश लीग में भी वो खेलते हैं, बिग बैश लीग के हेड कोच भी है, जो मेलबर्न स्टार्स है बिग बैश लीग में उनके हेड कोच भी हैं। सो डेविड हसी यार भाई बहुत कुछ कर सकते हैं केकेआर की टीम के लिए, और बहुत ज्यादा फायदेमंद यहां पर डेविड हसी हो सकते हैं। बहुत अच्छी ये जो तीनों अपडेट्स निकल कर आ रही थी वो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे एक अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी यार भाई मेरे को थोड़ी सी सर्दी हो रही थी तो थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम लग रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। और साथ ही में 18 के सब्सक्राइबर्स भी चैनल पे पूरे हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। मिलूंगा आपसे एक अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।